पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का आरोप टीएमसी पर लगाया। सीएम ममता बनर्जी बोली, आरोप साबित करें मोदी वरना उनको जेल भेज दूंगी। मालेगांव धमाके की आरोपी और भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को देशभक्त बताने के बाद माफी मांगी। उमर अब्दुल्ला बोले, अगर गोडसे देशभक्त तो क्या गांधी देशद्रोही हुए। सीबीआई ने बोफोर्स मामले में जांच की मांग करने वाली अर्जी वापस लेने का फैसला किया। एक अन्य याचिकाकर्ता भी आगे की जांच की मांग से पीछे हटे। अलवर गैंगरेप केस में पीड़िता और उसके परिवार वालों से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कहा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, न्याय जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों और 1 जवान और 1 नागरिक की मौत, 2 जवान घायल। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने के साथ कर्फ्यू लगा। कुपवाड़ा में मुठभेड़ जारी। और गुवाहाटी के शॉपिंग मॉल के बाहर हुए ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल, हमले की जिम्मेदारी उल्फा ने ली।